नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक सुगर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, सुगर इंडस्ट्रीज जितने सारे कंपनी है, मतलब सुगर मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे कंपनीज है, उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग अराउंड 8 to 9 मतलब रैंकिंग में है। तो कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, उत्तम सुगर लिमिटेड। तो उत्तम सुगर जो है, वो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और बहुत छोटा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप खुद के मतलब रिसर्च करिए, उसके बाद आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से आप कितना अमाउंट निवेश करना चाहते हैं उसके ऊपर आप पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। कि कल जाके मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि कल जाके आप निवेश कर देंगे, ऐसे मत करिए। क्योंकि मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो मैं क्यों इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का फ्यूचर क्या अच्छा खासा हो सकता है? जो कंपनी 500 रुपये में चल रहा था, वो कंपनी अभी 200 में मिल रहा है, तो 50% नीचे मिला है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ? तो इस तरीके से बहुत कमेंट आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, IPOs और बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और मुझे पता है आप इस चैनल को एक दिन ना एक दिन सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं, मतलब मैं जब रिसर्च करता हूँ कोई भी कंपनी के ऊपर, सबसे जो मेन चीज मैं देखता हूँ कंपनी का वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट से एक आपको अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम करता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज का नाम देखकर आपको पता नहीं चलता एक्चुअली कंपनी का फील्ड कौन सा है। जैसे आप बहुत सारे कंपनीज ऐसे है जो एक्चुअली नाम तो एक है और कंपनी का फील्ड अलग है। तो जैसे APL जो अपोलो ट्यूब्स है, आपको लग रहा होगा कि एक्चुअली कोई टायर इंडस्ट्री से, ट्यूब इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, एक्चुअली वो स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो सेम टू सेम, इसीलिए मैं वेबसाइट एक बार चेक करता हूँ, साथ ही साथ वेबसाइट से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कंपनी एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज यूजेस है एंड यहाँ पे देखिए कंज्यूमर यूजेस है। तो आप इंडस्ट्रीज यूजेस एंड कंज्यूमर यूजेस दोनों प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के इंडस्ट्रीज यूजेस जो है, वो मतलब मान के चले जितने सारे सुगर्स है, बिस्किट है, साथ ही साथ मतलब बहुत सारे डार्क जो सुगर है उसके ऊपर भी कंपनी टोटल प्रोडक्शन करते हैं। और कॉमर्शियल जो है, वो कॉमर्शियल आप देखेंगे इसका भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी यूज करते हैं। तो कंपनी का ये था कंपनी का, देखिए आप नेचुरल बॉर्न जो सुगर होते हैं तो उसके भी कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही साथ सुगर क्यूब्स इसको भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसिंग सुगर इसको भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब जो बिस्किट में साथ ही कुकीज में इस तरीके से सुगर यूज किया जाता है उसका भी यही कंपनी बनाते हैं। तो देखिए यही कंपनी बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं बाकी कंपनी नहीं बनाते, वो भी बनाते हैं। तो इसका देखिए कंपनी का तो टोटली यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख चुके हैं। अभी देखिए, अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है कंपनी का बिजनेस पार्टनर कौन सा है, मतलब किस किस कंपनी को कंपनी माल सेल करता है, उसका खुद का प्रोडक्ट सेल करता है। तो चलो वो देख लेते हैं। तो देखिए आवर क्लाइंट्स पार्टनर, तो यही से कंपनी का हालत थोड़ा सा पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का जो फील्ड है वो कितना बड़ा फील्ड है। देखिए पहले बिग बाजार, देखिए बिग बाजार तो उसको यूज नहीं करते, फिर भी देखिए बिग बाजार उसको सेल करते हैं, तो इसी का प्रोडक्ट सेल करते हैं। साथ ही साथ ये देखिए मदर डेयरी आप सब जानते हैं, दूध के इतना बड़ा कंपनी है पतंजलि, वो भी इसी का कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं। साथ ही साथ पार्ले बिस्कुट, तो पार्ले जी बिस्कुट आपको शायद पसंद है तो मुझे कमेंट करिए, मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखिए पेप्सी जैसे कंपनी, इसका भी इसी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पे देखिए हनीकट के भी इस कंपनी, यहाँ पे देखिए कैफिक जो कैफी कंपनी है, जो कॉफी कंपनी है इसके ऊपर भी कंपनी, इजी डे, साथ ही साथ देखिए ब्रिटानिया, डाबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोस यहाँ पे ग्रोफर्स, तो इस तरीके से बहुत डी मार्ट, तो इस तरीके से बहुत सारा कंपनीज इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इसका क्लाइंट्स है। तो मेरे हिसाब से इसका क्लाइंट बेस बहुत शानदार है, क्योंकि क्लाइंट बेस कोई छोटा मोटा क्लाइंट बेस नहीं है, मतलब लार्ज एंड इंडिया के नहीं वर्ल्ड के भी फेमस कंपनी है उसी के ऊपर जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए पेप्सी, साथ ही साथ अमेजन,
फ्लिपकार्ट, डाबर, ब्रिटानिया, ठीक है, तो इस जैसे कंपनी, पार्ले जी, ये भी अच्छा खासा कंपनी, पतंजलि, मदर डियरी, बिग बाजार, तो ये सारे के सारे कंपनी जो है एक मतलब आपको इस सारे कंपनी के बारे में आपने जरूर सुने होंगे, तो इस कंपनी के साथ इसका डील होता है। तो ये था कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स। तो देखिए कंपनी का बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ मतलब पिछले वीक में कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया था, तो उसके एक नजरिया भी आपको देखना दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 2 रुपीज पर डिविडेंड देने वाला है पर इक्विटी शेयर में, तो एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो किया, चलो उसके ऊपर भी एक बात दिखा देता हूँ। ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो इनकम 49,000, जो पिछले क्वार्टर में 61,000 था, पिछले साल में 55,000 था, मगर कंपनी ने ऐसा किया कि कंपनी इनकम कम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गया। कैसे हुआ चलो देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस 42,000, जो पहले था 50, पहले क्वार्टर में था 56,000, पिछले साल में था 49,000। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम जो है वो आप देखेंगे, टोटल इनकम कंपनी का जो बन चुके हैं टैक्सेस पे करने के बाद फॉर द पीरियड, आप देखेंगे तो 6,100, जो पहले था 3,900, पिछले साल में था 2,700। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का कितना शानदार यहाँ पर ग्रोथ हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी एक्चुअली इथेनल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। आप एक बार उसका डेटा भी दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए 33% इथेनल्स जो एक्चुअली शुगर से बनते हैं, तो इथेनल्स के भी प्रोडक्शन कर रहा है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने जो मतलब जो टारगेट रखा है इथेनल से गाड़ी को चलाने मतलब चलाने के लिए, देखिए इथेनल्स एक इको फ्रेंडली है और मतलब ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा, तो इथेनल्स के माध्यम से गाड़ियाँ चलाएंगे, तो इसका कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी देखिए फ्यूचर में मुझे लगता है इस तरीके से प्रोडक्ट के ज़्यादा जरूरत होगा, क्योंकि इस तरीके से पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, लोग ऑल्टरनेटिव सोचेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लोग शिफ्ट हो रहा है, साथ ही साथ लोग इथेनल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी के ऊपर चलाने के काम कर रहे हैं, तो मेरे इस हिसाब से इथेनल्स भी एक अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में डिटेल से बात करूँ तो कंपनी के सबसे पहले मैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो मुझे फाइनेंशियल अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो ग्रीन कलर के है और कंपनी का जो नेट इनकम है वो एक्चुअली कंपनी का येलो कलर के है। तो आप देखेंगे 2020, 2021, 2021, तो कंपनी हर क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो कंपनी का इनकम रेवेन्यू जबरदस्त बना, कंपनी का नेट इनकम देखिए उतना ज्यादा नहीं है, तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। देखिए आप जितना भी इनकम कर ले उसमें क्या फायदा, अगर आपका इनकम मतलब लास्ट में आपका हाथ में पैसा कम आ रहा है, तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। एनुअल इनकम भी देखेंगे तो आप देखेंगे तो इनकम ईयर ऑफ ईयर बेसिस कितना शानदार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, मगर कंपनी का जो मतलब पीरियड ऑफ देखेंगे तो नेट इनकम के वो एक बहुत बहुत कम परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स दिखा दो तो कंपनी देखिए एक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 846 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप 4 बार सोच लेना कि मेरा जो पैसा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो पैसा 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस ये पैसा आपका मतलब 5, 10 गुना भी हो सकता है और ये पैसा 0 भी हो सकता है, इस तरीके से सोचकर आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक ठाक है तो उस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का पीयूसी एकदम रिजनेबल में है, एकदम कम में है इसका इंडस्ट्री पीयूसी के हिसाब से। कंपनी का मुझे जो चीज सबसे अच्छा लगा कंपनी का, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, मगर एक वीक पॉइंट जो है कंपनी 33% होल्डिंग, कंपनी का जो शेयर है उसको किसी के पास गिरवी रखा और उसके पास पैसा लिया कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए, तो एक पॉइंट नेगेटिव है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो तो उस शेयर वो उसको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शेयर उसको देकर माल पैसा लिया है, पैसा उसको नहीं दे पाएंगे तो वो शेयर वो उसके हो जाएगा ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज आपको सोचना चाहिए। साथ ही साथ हाथ में कंपनी का कैश भी है, कंपनी इनकम भी शानदार कर रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ भी है, तो सारे के पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिविटी में ज्यादातर देखने को मिला। तो एक चीज मुझे और सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है कंपनी का इन्वेंटरी डे, प्रोडक्शन करने के लिए 196 डे लग रहा है, क्योंकि देखिए मतलब शुगर पाने के लिए आपको
खेती करना होगा, उसके बाद शुगर मिलेगा, तो इसलिए टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है। मगर कंपनी शुगर बेचने के बाद कंपनी के 11 डेज में ही पैसा मिला है। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि इतना जल्द से जल्द आपका हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद। तो कंपनी का जो कंपेरिजन है उसके देखा जाए तो कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है, और कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दो तो देखिए कंपनी का रिजल्ट आपको अच्छा खासा दिखेगा। बीच बीच में कंपनी एक दो बार लॉस किया और उसका कारण आप सभी जानते हैं, और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो आप साल भर में देखेंगे तो कंपनी शानदार यहाँ पर प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इस मत तो कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया, 135 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से शानदार आपको रिटर्न दिया, तो इस रिटर्न के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। रिटर्न आपको बहुत सारे कंपनी 1000% भी रिटर्न दे चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी के ऊपर जाकर निवेश कर दूँ, ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में होल्ड करना चाहिए, तो उस कंपनी के बाकी पैरामीटर आपको देखना चाहिए। तो देखिए मुझे बाकी पैरामीटर खराब नहीं लग रहा है, अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है। साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यही से ही टोटली नजरिया चेंज हो जाएगा। देखिए अगर कंपनी बहुत शानदार होता तो उसके ऊपर एक्चुअली FIS और DIS माल उठा के रखते, मगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए DIS जो है जो पहले इन्वेस्ट तो करके रखे थे, अभी वो पूरा का पूरा माल बेच दिया, 2 क्वार्टर में तो उसका कोई माल ही नहीं है। और FIS के पास पहले तो माल नहीं था, अभी थोड़ा सा निवेश किया 0.13% का, तो जो थोड़ा सा निवेश वो अगर मतलब उसको पैसा ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा माल किसने उठाया, पब्लिक ने। तो यही एक पॉइंट आपको मतलब नोटिस करना होगा, जब कोई प्रोमोटर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर माल नहीं उठा रहा है और पब्लिक ज्यादातर माल उठा रहा है तो ऑपरेट करने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करिए, और मतलब कंटिन्यू मतलब एक बार स्टार्टिंग करके कंटिन्यू करिए, और जो नया निवेश करना चाहते हैं तो मैं उसके बेसिस से मैं जरूर कहूंगा आप निवेश करना ही चाहते हैं तो आप छोटा मोटा निवेश करिए, मतलब आप 500,000 रुपया लगा कर ही छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा निवेश मत करिए। अगर आपका 1 लाख कैपेसिटी है तो आप 500 रुपया ही निवेश करिए, उससे ज्यादा निवेश मत करिए। तो आप इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको 200 में चल रहा है तो अराउंड आप 500 रुपये में 2 लॉट आप खरीद के रख दीजिए, और आप एक बार स्टडी पर्पस में इस टाइप कंपनी ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस टाइप कंपनी अभी फिलहाल के लिए उतना खास नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।